जब तुमने शादी किया था जानते हुए भी कि विकास जी शादीशुदा है, फिर भी तुमने एक औरत की घर बर्बाद कर दिया, बसा बसाया जिंदगी बर्बाद कर दिया, तो उसकी बद्दुआ तो तुम्हें लगेगी ही लगेगी। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आगे आगे देखो क्या होता है। जे जब खुद के ऊपर पड़ती है तो मेरा पति से मुझे अलग ना करो, मेरे बच्चे से अलग मत करो, मगर तुमने की एक औरत को तुम जब अलग कर दिया तो उसकी बद्दुआ इसकी हाल कहाँ जाएगा, आज न कल तो तुम्हें लगेगा ही लगेगा। बोलते हैं कि कर्मा, कर्मा रिटर्न होता है, जैसा तुम कर्म करोगी दूसरे के साथ वैसा ही भगवान तुम्हारे साथ करेंगे। तुमने पहले जो है सोनू का लाइफ बर्बाद किया, शादीशुदा हंसता खेलता परिवार को बर्बाद किया, तो उसका हाई आज न कल तो तुम्हें लगना ही था, और तुम्हें अभी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। मुझे विकास जी से अलग मत करो, सोनू विकास जी से अलग मत करो, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। जब तुमने अलग किया था पिंकी विकास जी से सोनू को, तो वो बेचारी इतनी सीधी थी कि अपने लिए लड़ भी नहीं सकती थी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे विकास फतरोड़, सोनू फतरोड़ और पिंकी फतरोड़ के बारे में। दोस्तों मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, मगर पानी जो बोलते हैं ना सर से ऊपर चले जाना, वही काम हुआ है। दोस्तों विकास की पहली शादी सोनू से हुआ है, दूसरी शादी पिंकी से हुआ है, दोनों का लव मैरिज हुआ है। सोनू से भी विकास लव मैरिज शादी किए और पिंकी से भी विकास जो है लव मैरिज शादी किए। सोनू काली है और पिंकी गोरी है, मगर सोनू को अलग कमरे में यानी अलग घर में उसको रखते हैं, अलग फ्लैट में रखते हैं, और हमेशा 14 साल इनकी शादी का हो गया है, 14 साल में सोनू खुद आती है अपने पति से मिलने के लिए, तो मिलते हैं उसके साथ एक दो शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं, नहीं तो आप देखते होंगे, नहीं भी देखते हैं तो फिर आप अभी से आप जाके देख सकते हैं। आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जो है विकास जी जो है पिंकी के साथ ही रहते हैं, क्योंकि पिंकी जो है सोनू के पास विकास को जाने ही नहीं देती, क्योंकि वो दूसरी पत्नी है। सोनू जो है थोड़ी सीधी है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा सीधी है, अगर सीधी नहीं होती ना तो विकास जी को दूसरी शादी करने नहीं देती, अगर विकास जी शादी भी कर लिए तो इसको एंटर नहीं करने देती, ना जाने कितना हंगामा होता। अगर मान लीजिए पिंकी अगर पहली पत्नी होती और सोनू से दूसरी शादी विकास अगर करते, तो पिंकी जो है ना लात मार के सोनू को घर से बाहर निकालती, मगर यहीं पे सोनू जो है कुछ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि सोनू बहुत ज़्यादा ही सीधी है। कुछ तुच्छ औरतों की वजह से कितनी औरतें का बसा बसाया घर जो है उजड़ जाता है। यहाँ पे कुछ औरतों को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगेगा, जो दूसरे का घर को बर्बाद कर रखी है ना, वो औरतों को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि पहली पत्नी होते हुए भी और जानते हुए भी कि ये आदमी जो है शादीशुदा है, उसका पहली पत्नी है, फिर भी उससे प्यार करता है, उसका बसा बसाया घर को उजाड़ देती है, तोड़ देती है। और अभी जो है पिंकी का कल मैंने वीडियो देखा जिसमें सोनू को टारगेट करते हुए बोल रही है कि तू मेरा पति यानी तू जो है सिर्फ विकास जी को ही अपने साथ रख सकती है, मगर रियल मायने में प्यार जो है विकास मुझसे करते हैं। मतलब ये जो है हर तरीके से विकास जी को अपनी तरफ आकर्षित किया है, हर तरीके से, मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से सोनू को एक अलग फ्लैट में, एक अलग कमरे में रख दिया। सोनू हमेशा अकेले और सैड सॉन्ग पे वीडियो बनाती है, अपने बच्चे के साथ रहती है, मगर यहीं पे पिंकी जो है विकास जी को सोनू के पास जाने नहीं देती, हमेशा मना करती है वहाँ जाने से। और जब भी आप देखे होंगे कि सोनू और विकास जी का कोई भी एकाक शॉर्ट वीडियो या एकाक कभी कभी ब्लॉग बनाती है, तो कभी कभी आप देखे होंगे, मगर ज़्यादातर 100% में 90% समय जो है विकास जी जो है पिंकी के साथ बिताते हैं, क्योंकि पिंकी बहुत ही शातिर, चलाक, लोमड़ी के तरफ बहुत ज़्यादा चलाक है, और सोनू बेचारी सीधी साधी है। इसीलिए तो 14 सालों में
अब तक कुछ नहीं बोली। और ये जो है ना ब्लैकमेली का गेम चल रहा है, कुछ ना कुछ तो जरूर षड्यंत्र होगा। आप विकास जी को देखे होंगे कि कोई भी पूजा पाठ हो गया या कुछ भी हो गया, हमेशा पिंकी के साथ ही, पिंकी अपने साथ ही विकास जी को रखती है। सोनू का भी दो बच्चा है, एक बेटा एक बेटी, और पिंकी का भी दो बच्चा है, एक बेटा और बेटी। मगर दोनों का बच्चे का जो डिस्टेंस है, या बोल सकते हैं कि जो बीच में बच्चे का डिस्टेंस होता है ना, कई साल बड़ा है कई साल छोटा है, तो दोनों का बच्चे जो है सेम उम्र का ही है, एक साल के आगे पीछे है। अगर सोनू सीधी नहीं होती तो बराबर का दर्जा मांगती, बोलती कि विकास जी जितना आप पिंकी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक हफ्ता 10 दिन महीना दिन अगर आप पिंकी के साथ रहते हैं तो महीना दिन मेरे साथ भी रहो। मगर यहाँ पे सोनू सीधी है, कोई चीज़ का जवाब देना नहीं जानती है, तो इसलिए पिंकी जैसे विकास को बोलती है वैसे विकास जी करते हैं। मगर यहीं पे सोनू बेचारी हर चीज़ में मात खा जाती है। कल मैंने पिंकी का एक वीडियो देखा, रो धो के इतना मतलब ड्रामा क्रिएट कर रही है, बोल रही है कि बच्चे का कस्टडी मुझे ही देना, बच्चे की कस्टडी मुझे ही देना, विकास जी को तुम अपने पास रख लेना, मगर मेरा बच्चे को हमसे दूर करने की कोशिश मत करना। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, छोटा बच्चा हो तो कहाँ भी जाए, जब बच्चे समझदार होते हैं तो अगर आप कोर्ट में जाके डिवोर्स लो या कुछ भी लो, बच्चा जिसके तरफ चाहेगा कि मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ या पापा के साथ रहना चाहता हूँ, अगर बच्चा समझदार हो गया 10 साल प्लस हो गए, तो बच्चे के जिस तरीके से बच्चे का माइंड कहेगा ना कि मैं पापा की तरफ रहूँगा, मम्मी की तरफ रहूँगा या दोनों के साथ रहूँगा, तो अदालत जो है उस हिसाब से कस्टडी देती है और दोनों के साथ रहने के लिए भी सलाह देती है। मगर यहाँ पे मैंने देखा कि पिंकी जो है ना बहुत ड्रामा कर रही है। जब उसने एक औरत का बसा बसाया घर बिगाड़ तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, अब पता है ना कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी को क्या नाम दिया जाता है, उस लैंग्वेज को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। तुम जानते हुए भी पिंकी तुमने बसा बसाया सोनू का घर बर्बाद कर दिया। दोस्तों यहाँ पे मैं सोनू का पहले मैं बात कर ले कि दोस्तों सोनू और विकास जो है इंदौर के रहने वाले हैं। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि सोनू जो है इंदौर के मॉल में बाजार में जाती है और वहाँ पे तगड़ा वाला कर्फ्यू लगता है और उस कारण वो घर लौटने में उसको दिक्कत होता है, तो वहीं पे मुलाकात विकास जी से होता है। फिर विकास जी जो है उसको ड्रॉप करते हैं, फिर उसी दौरान गाड़ी में कुछ बातें होती है, एक दूसरे का नंबर चेंज होता है, उसके बाद बातें थोड़े आगे बढ़ जाते हैं, फिर शादी कर लेते हैं। मगर सोनू और विकास के दोनों के घर वाले जो हैं शादी से मना कर देते हैं, मगर फिर भी विकास और सोनू जो है इंदौर के मंदिर में जाके भाग कर शादी कर लेते हैं। उसके बाद पिंकी से भी मुलाकात जो है विकास जी को इंदौर के एक मॉल में होता है, उसके बाद सोनू पिंकी से भी प्यार हो जाता है विकास जी को। मगर विकास जी के बारे में पिंकी को सब कुछ पता था कि विकास जी शादीशुदा है, फिर भी विकास को फंसाया और फिर शादी किया, तो इसमें गलती किसकी है? जो मतलब पढ़ी लिखी औरत हो के इस तरीके से मतलब एक औरत का दुख नहीं समझना, एक औरत का बसा बसाया घर बर्बाद कर देना, दूसरे एक पति पत्नी को अलग कर देना, पति छीन लेना, दूसरे का पति यूज करना, अरमान मलिक के तरह सब बनना चाह रहा है, अरमान मलिक के तरह सब बनना चाह रहा है, मगर अरमान मलिक का कभी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अरमान मलिक जो है दोनों पत्नी को एक घर में रखता है, एक साथ रखता है, मगर यहीं पे पिंकी जो है बिल्कुल तरीके से इसको डिस्टेंस एकदम बिल्कुल अपनी लाइफ से और विकास जी के लाइफ से बिल्कुल सोनू को कट कर देती है। कभी कभी सोनू खुद आती है विकास जी से मिलने के लिए, तब जाके विकास जी मिलते हैं, थोड़ी बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, मगर 100% में 90% जो है टाइम जो है पिंकी अपने साथ ही सोनू विकास जी को रखती है।
तो चालाक होने का यही कारण है कि बसा बसा या किसी औरत का घर बिगाड़ देना। और एक पत्नी का होते हुए दूसरी वाइफ को क्या नाम दिया जाता है उसको कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पिंकी आपने एक औरत का बसा बसाया घर बर्बाद किया है, और जब खुद के ऊपर पड़ी है तो बस आंखों से और दिल से बद्दुआ निकल रही है, बद्दुआ निकल रही है कि मेरा, मैं विकास जी के बिना नहीं रह सकती, विकास जी मेरे बिना नहीं रह सकते। क्यों? विकास जी तुमसे भी प्यार किए हैं तो सोनू से भी प्यार किए हैं। बीच में एक आदमी पिस रहा है, तुम जानते हुए भी कि ये विकास जी शादीशुदा है, फिर भी तुमने शादी किया। तो जैसे पहले से 14 साल से तुम दोनों रिश्ते में हो, तीनों एक साथ रह रहे हो, अभी भी मौका है, एक साथ ही रहो, घर तोड़ने की और बर्बाद करने की कोशिश मत करो, ठीक है? जितना तकलीफ तुम्हें नहीं है, जब तुम विकास जी से शादी किया था पिंकी, उससे कई गुना दुख जो है ना, एक औरत अपनी पति को दूसरे के साथ शेयर करते समय वो मर जाती है, जीता जी मर जाती है। मगर अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हें अपने पति को सौंपा, तुमसे शेयर किया, तो तुम्हें तो शर्म आना चाहिए और उसका जो है इज्जत करना चाहिए कि ये मेरी बड़ी दीदी है, मेरी दीदी समान है, बहन समान है। मगर नहीं, हमेशा जो है तुम बहुत ही उसके ऊपर जुल्म करी हो, हमेशा शुरू से ही जुल्म करी हो विकास जी से, उसको दूर करके के ऊपर पड़ती है तो मेरा पति से मुझे अलग ना करो, मेरे बच्चे से अलग मत करो। मगर तुमने कि एक औरत को तुम जब अलग कर दिया तो उसकी बद्दुआ, इसकी हाय कहाँ जाएगा, आज ने कल तो तुम्हें लगेगा ही लगेगा। बोलते हैं कि कर्मा, कर्मा रिटर्न होता है, जैसा तुम कर्म करोगी दूसरे के साथ वैसा ही भगवान तुम्हारे साथ करेंगे। तुमने पहले जो है सोनू का लाइफ बर्बाद किया, शादीशुदा हंसता खेलता परिवार को बर्बाद किया, तो उसका हाय आज ने कल तो तुम्हें लगना ही था। सो गाइस, जाने अनजाने में अगर मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया तो मुझे माफ करना, मगर ये इसी का लाइक है, इतना सुनना तो इसको बनता ही था। दोस्तों अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।